हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए पापड़ी चाट की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लीजिए। सो फ्रेंड, चाट बनाने के लिए मैंने सामान लिया है कुछ। तो ये मैंने लिया है आलू, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, इसको टुकड़ों में फोड़ लिया है। इधर मैंने मटर लिया है, एक कटोरी मटर मैंने भिगो कर रखी थी और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इधर ग्रीन चटनी जो मैंने घर पे बनाई है, अनार के दाने, और ये हाफ कप लिया है इमली का पानी। और ये इधर सेव की नमकीन है, तो बिल्कुल सादी है, हरा धनिया। तो चलिए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पे एक पैन को चढ़ा लिया है, इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से क्रेक हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे मटर जो मैंने बॉयल करके रखी है, वो इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब साथ में ही आलू को ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। आलू को मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। देखिए, आलू और मटर को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, गरम मसाला को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे इमली का पानी। इमली का पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको हम साथ में ही पका लेंगे, करीब 5 मिनट तक इस तरह से चला देंगे पहले अच्छे से। इमली का पानी डालने से फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, चाट बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। चाट को मैंने अलग बर्तन में निकाल के रख लिया है। अब चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में एक पापड़ी को रख दिया है। पापड़ी ये होममेड है, घर पे बनी हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है इसका, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो मैंने चाट बनाई है इसको लगा लेंगे। इस तरह से पूरी पापड़ी में लगा लेना है। ये देखिए, चाट को मैंने लगा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो मैंने सेव की नमकीन ली थी। इसको ऐड कर दिया है। अब इसमें मैंने कुछ टूटी हुई पापड़ी ली है, इसको रख देंगे ऊपर से। अब इसके ऊपर से फिर से हम चाट लगाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार होती है। अब इसमें हम हरी चटनी जो मैंने बनाकर रखी है वो डाल देंगे। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर से फिर से हम सेव की नमकीन रख देंगे। सेव की नमकीन रख दी है। अब इसके ऊपर हम चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसालों को मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो सॉस। आप अगर टमाटो सॉस स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए। और हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमारी बेहतरीन सी चाट बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।